इसरो का चंद्रयान 3 मिशन कई सुधारों के साथ जाने को तैयार है। इसमें एक बात समझने वाली है कि पहले इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया जो काफी सक्सेसफुल रहा, चंद्रयान 2 लॉन्च किया जो पार्शली सक्सेसफुल रहा लेकिन मून सरफेस पर लैंड नहीं कर पाया, और अब चंद्रयान 3 को लैंड करने के लिए भेजा जा रहा है। केवल भारत ही नहीं, चाइना भी इस रेस में शामिल है जो कि पहले ही मून पर लैंड कर चुका है, अब मून पर अपना बेस बनाने भी जा रहा है। अमेरिका के साथ तो 70 के दशक में ऐसा लग रहा था जैसे वहीं बस जाएगा, लेकिन जब मिशन बहुत महंगे पड़ने लगे तो उसने जाना छोड़ दिया, लेकिन अब दोबारा जाना चाहता है। तो आखिर ये मून तक जाने की रेस है क्यों? इसी को आप इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान के स्टेटमेंट से जोड़कर देखिए। उनका कहना है कि अगर धरती पर एनर्जी रिसोर्सेस कम पड़े तो हम चांद से लेकर आएंगे। आखिर वो किस एनर्जी रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है मून पर जिस वजह से सब मून पर जाना चाहते हैं? दोस्तों, ये एनर्जी रिसोर्स है हीलियम 3, जो कि हीलियम का ही एक आइसोटोप है। यह एक रिवोल्यूशनरी और निकट भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी रिसोर्स होने वाला है। मून पर यह फ्यूल काफी मात्रा में मिला है। मून से इतना हीलियम 3 लाया जा सकता है कि फिर हमें 250 सालों तक ऊर्जा की कमी नहीं होगी। वैसे भी फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम इत्यादि जल्द ही खत्म हो जाएंगे, और खत्म होने से पहले इनके प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे। इसीलिए दुनिया के कई देशों की सरकारी और प्राइवेट स्पेस एजेंसीज मून पर हीलियम 3 की खोज की संभावनाएं तलाश रही हैं। इसरो का कहना है जिस भी देश में मून से हीलियम 3 ला पाने की ताकत होगी वो इस प्रोसेस पर अपना वर्चस्व कायम करेगा। भारत चाहता है कि वो इस प्रोसेस को लीड करे। हीलियम 3 की कीमत $5 बिलियन यानी करीब 3,445 करोड़ रुपए प्रति टन है। ऐसे में हम वहां से अगर 2.5 लाख टन भी हीलियम 3 ले आ पाए तो उसकी कीमत खरबों डॉलर की होगी। नासा का दावा है कि चांद पर 10 लाख मैट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। इसका 1/4 हिस्सा धरती पर लाया जा सकता है। अनलिमिटेड न्यूक्लियर एनर्जी वाले हीलियम का ये आइसोटोप अर्थ पर बहुत कम मात्रा में मिलता है क्योंकि ये सन से डायरेक्ट हमारे पास पहुँचता है, बट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसे धरती की सतह पर पहुंचने से रोकता है, इसलिए धरती इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। वहीं मून पर ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए मून की सतह हीलियम 3 को अरबों सालों से सोख रही है। वहां पर प्रचुर मात्रा में हीलियम 3 मौजूद है। इससे 250 सालों तक पूरे वर्ल्ड की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यही कारण है कि मून पर पहुंचने की इतनी होड़ लगी हुई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।